हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं केशव कल्याणी एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रीजनिंग विद केशव कल्याणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम लोग का नाइन्थ सेशन है, स्पेशल सेशन ऑन सिग्निफिकेंट रीजनिंग क्वेश्चंस एज पर लेटेस्ट ट्रेंड, दैट इज टीसीएस पैटर्न। ठीक है, नाइन्थ सेशन हम लोग आज कंडक्ट करवा रहे हैं। क्या होता है, ये स्पेशल क्लासेस का सेशन है जिसमें 1 आवर आप लोगों के साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएंगे फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक नंबर सीरीज। ठीक है, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज ये सब रहता है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग और जो भी टाइप का क्वेश्चंस मिसिलेनियस बनता है वो सब आपके साथ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 8 सेशंस कंडक्ट करवा चुका हूं मैं यहां पे। आप लोग उन सेशंस को भी देख सकते हो, बेनिफिशियल सेशन है। ये सब के क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस पिक होते हैं कोई अच्छे टेस्ट सीरीज से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये सब मिला जुला के आपके सामने हर टाइप का क्वेश्चंस मैं यहां पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहां पे इस चैनल में पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए। सीजीएल टारगेटेड है मतलब एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें रीजनिंग के सवाल आते हैं वो सारे टारगेटेड होंगे। रेलवेज का एनटीपीसी ग्रुप डी सब टारगेटेड है, जहां जहां पे रीजनिंग का क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। स्टेट पीसीएस टारगेटेड है। ठीक है, एंड और भी जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सीडीएस, एफकैट, ये सब जो भी है सारे टारगेटेड। रीजनिंग पूरा कंप्लीट, 12 से 13 चैप्टर आप लोग का यहाँ पे वर्बल रीजनिंग का हो चुका है। सिमिलरली मैं साइमल्टेनियसली वीडियोस यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगा। हर एक चैप्टर बेसिक से एडवांस लेवल तक हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, आज नाइन्थ सेशन स्पेशल क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज 445, 221, 109, 46, 25, 11, 4। आपको ये सीरीज दिया हुआ है। अब इस सीरीज में क्या है, आप लोग का एक नंबर रॉन्ग है, कोई भी एक नंबर रॉन्ग है। हो सकता है 445 रॉन्ग हो सकता है 221 रॉन्ग हो सकता है या फिर 109 रॉन्ग हो। ऐसे करके कोई भी एक नंबर आपका रॉन्ग होगा, जिसके वजह से ये सीरीज पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर उस नंबर को रेक्टिफाई कर दिया जाए तो वो आपका सीरीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पैटर्न फॉलो करने लगेगा। तो आपको वही रॉन्ग नंबर बताना है, राइट नंबर नहीं बताना है पर रॉन्ग नंबर बताना है कि क्या नंबर रॉन्ग है। चलिए, आपका समय शुरू होता है, आप 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। सारे कोई ट्राई करो। देखो, मैं सीरीज यहां पे लिख देता हूं 445। टू ट्वेंटी वन, 109, 46, 25, 11 एंड 4। ये आपके सामने मैंने लिख दिया सीरीज। अब देखो यहां पे करना क्या, आपको 445 जो दिया हुआ था इसमें से आप -3 करिए, क्या आएगा आपका आंसर
442, और उसके बाद आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो जब आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा आपका, 221 आया, दैट इज सेकेंड नंबर। अब 221 में से माइनस 3 जब आप करोगे, माइनस 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 218। 218 में डिवाइडेड बाय 2 अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 109। अब 109 में जब आप माइनस 3 करोगे तो आपका आएगा 106 आंसर, और इसमें जब आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। पर यहां तो 46 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो सीरीज है 46, इसमें गलत नंबर है, 46 नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, 53 होना चाहिए। आगे का चेक कर लेते हैं, 53 में जब आप माइनस 3 करोगे तो आपका 50 आएगा, और 50 में जब आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, वैसे ही 25 में जब आप माइनस 3 करोगे तो आपका क्या आएगा, 22, और 22 में डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, वैसे ही आप 11 में अगर देखोगे, 11 में माइनस 3 करके तो 8 आया है, और 8 में डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब पूरा सीरीज पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसमें माइनस 3 कर रहा है, जो रिजल्टिंग फिगर आ रहा है उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है यहां पे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहां पे लिख के भी दिखाया है कि पहले आप लोग का माइनस 3 होगा नंबर में, उसके बाद जो आएगा उसमें डिवाइडेड बाय 2 आपको करना है, जिसमें ये 53 होना चाहिए पर यहां पे क्या दिया हुआ था, 46। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये भी एक रॉन्ग नंबर सीरीज है, आपको फाइंड करना है कौन सा सही होगा। सारे कोई ट्राई करो। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे, आज पीपीटी जो है मैंने बनाया है, पर मैं आप लोगों को इसमें पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं, कलर्स बहुत सारा है, क्लास में कलर्स यूज करके एक्सप्लेन करना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा कलर्स है इसमें, और क्या, देखो इतने सारे हैं। लॉजिक मिला आप लोग को, लॉजिक रॉन्ग नंबर सीरीज है, ट्राई करिए आप लोग। नंबर के बीच का गैप बताना कितना था, बड़ा गैप है, डेफिनेट सा बात है, प्लस करके तो आएगा नहीं आंसर, माइनस का लॉजिक काम करेगा नहीं, डिवाइड का लॉजिक काम करेगा नहीं, मल्टीप्लाई का लॉजिक काम करेगा। अब यहां पे देखो आप लोग क्या करोगे, 5 × 4 किया 20 आया, 20 × 3 किया 60 आया, फिर 60 × 4 किया 240 आया, 240 × 3 किया 720 आया, 720 × 4 करोगे आप, करके देखो 720 × 4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2880, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब 2880 आपने कर ही लिया यहां पे, तो इसमें आप एक बार और इंटू थ्री कर लो, तो
आपका आंसर क्या आ रहा है? 8640 ये आपका करेक्ट आंसर है इंटू थ्री करने से। तो ये आपका लॉजिक सेटिस्फाई किया। कौन सा रॉन्ग था? 2680 आपका इनकरेक्ट था। 2680 यहां पे होना नहीं चाहिए था, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां मैंने करके भी दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मिसिंग नंबर्स गिवन रिस्पॉन्सेस में से आपको बताने हैं कि कौन सा नंबर आपका मिसिंग है। फटाफट ट्राई करिए आप लोग, सारे कोई ट्राई करो। चलो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आई थिंक एनफ टाइम मिला आप लोग को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। आपको क्या लगता है ये आपको किस फॉर्मेट में लग रहा है, बताना तो मेरे को। क्या ये आपको ए इज टू बी, ए इज टू बी, ए इज टू बी, ए इज टू बी का फॉर्मेट में नहीं लग रहा है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 115 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 12, 145 डिवाइडेड बाई 9 और यहां पे डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पे आप लोग एक चीज यहां पे ध्यान से नोटिस करिएगा, वो क्या नोटिस करिएगा कि जो डिनोमिनेटर है इसमें माइनस 3 का अंतर है, डिनोमिनेटर में माइनस 3 का अंतर है, डिनोमिनेटर में माइनस 3 का अंतर है। लेकिन जो न्यूमरेटर आपका यहां पे दिया हुआ है, न्यूमरेटर उसमें प्लस 15 का अंतर है। न्यूमरेटर में आपका क्या हो रहा है, प्लस 15 हो रहा है। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, यहां पे प्लस 15 हो रहा है। तो 145 प्लस 15 क्या होगा, 160 होगा। ये 160 आपका आंसर है। सबसे पहले तो ये जो सीरीज दिया हुआ था ए इज टू बी के फॉर्मेट में लग रहा था मेरे को, 115 डिवाइडेड बाई 15, 130 डिवाइडेड बाई 12, 145 डिवाइडेड बाई 9 और क्या डिवाइडेड बाई 6। डिनोमिनेटर आपके माइनस 3 में प्रोसीड कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और न्यूमरेटर प्लस 15 में आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली 160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 23, 51, 108, 223 आगे क्या होगा, 917। मिसिंग नंबर आपको बताना है, एक टर्म इसमें मिसिंग है, आप सभी को बताना है कि क्या मिसिंग है। फटाफट सारे कोई ट्राई करो आप लोग।
ट्राई करो ट्राई करो। अब यहां पे देखो, ये सारे के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको डबल के बराबर नहीं लग रहा है क्या? ऑलमोस्ट डबल डबल का डिफरेंस लग रहा है। तो यहां पे देखो, 23 × 2 करोगे तो 46 आएगा। 46 में जब आप 5 जोड़ोगे तो आपका 51 आएगा। 51 में जब आप × 2 करोगे 102 आएगा, और +6 कर दोगे तो 108 आएगा। 108 में जब आप × 2 करोगे और +7 करोगे तो 223 आएगा। ठीक है, 216 में 7 जोड़ा, 223। अब 223 में × 2 करोगे, ठीक है, और +8 करोगे तो आपका आंसर क्या 454 आएगा। 446 में 8 जोड़ा 454, और 454 में × 2 करो और +9 करो तो आंसर क्या आपका 917 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल 917 आएगा। क्लियर हुआ आप लोग को क्वेश्चन? ज्योमेट्रिक बेस सीरीज था, डबल डबल का डिफरेंस मेरे को दिख रहा था ऑलमोस्ट, तो मैंने × 2 किया और फिर नीचे में क्या किया +5, फिर × 2 किया +6, फिर × 2 किया +7, फिर × 2 किया +8, फिर × 2 किया +9। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये आपका सीरीज दिया हुआ है, ट्राई करो सारे को आंसर बताना। लॉजिक बताओ क्या लगेगा? अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। और मैक्सिमम शेयर करिए। देखो, करंट टर्म में प्रीवियस टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा क्या निकल रहा है? नेक्स्ट टर्म निकल रहा है। जैसे 5 में 3 को जोड़ा 8 निकला, 8 में 5 को जोड़ा 13 निकला, 13 में 8 को जोड़ा 21 निकला, 21 में 13 को जोड़ा 34 निकला, 34 में 21 को जोड़ा 55 निकला, और 55 में जब मैंने 34 को जोड़ा तो आपका आंसर क्या निकला? 89। ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? करंट टर्म में प्रीवियस टर्म को क्या लॉजिक लगाए? लॉजिक ऑफ प्रीवियस टर्म ये आपका लगा है यहां पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एस के बाद क्या आएगा आपको यह बताना है।
यहां पे आपको क्या करना है, सारे अल्फाबेट्स का न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू आपको लिख लेना चाहिए। जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जी का क्या होता है, 7 होता है, एल का क्या होता है, 12 होता है, पी का क्या होता है, 16 होता है, और एस का क्या होता है, 19 होता है। तो अब अगर एक बात आप लोग यहां पे ध्यान से नोटिस कर पा रहे होगे, तो यहां पे ये चीज देखना कि 1 और 7 के बीच में कितना का गैप है, प्लस 6 का गैप है, 7 और 12 के बीच में कितना का गैप है, प्लस 5 का गैप है, 12 और 16 के बीच में कितना का गैप है, प्लस 4 का गैप है, 16 और 19 के बीच में कितना का गैप है, प्लस 3 का गैप है। तो क्या आपको आगे का गैप यहां पे समझ में आ रहा है क्या? जी हां बिल्कुल, प्लस 2 का गैप होगा, दैट मीन्स 19 प्लस 2 इज 21, और 21 आपको किसका प्लेस वैल्यू लग रहा है, यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 21। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यू। बताओ समझ में आया, क्लीन हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मिसिंग नंबर्स अगेन आपको निकालना है। क्या सीरीज दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं। क्या आंसर होगा फटाफट बताओ। अब देखो यहां पे प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, एच का क्या होता है, 8, एम का क्या होता है, 13, आर का क्या होता है, 18। कुछ लॉजिक यहां पे समझ में आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है लॉजिक? जी हां बिल्कुल, मेरे को समझ में आ रहा है क्या, 3 और 8 के बीच में जो अल्फाबेट्स दिया हुआ था मैं उनकी बात कर रहा हूं। 3 और 8 के बीच में 5 का गैप है, 8 और 13 के बीच में कितना का गैप है, फिर अगेन 5 का गैप है, 13 18 के बीच में कितना का गैप है, फिर अगेन 5 का गैप है, 18 और 5 फिर और एड करोगे कितना आएगा, 23 आएगा, 23। तो 23 का मतलब क्या होता है, डब्लू, डब्लू आ गया 23 का मतलब, अल्फाबेट्स का आपको पता चल गया, नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा होगा, डब्लू होगा। चलो अब उसके बाद आपको यहां पे एक चीज यहां पे ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा, वो नोटिस क्या करोगे ध्यान से देखते जाओ, 8 और 12 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, 12 और 16 के बीच में कितना का अंतर है, अगेन 4 का अंतर है, 16 और 20 के बीच में कितना का अंतर है, अगेन आपका 4 का अंतर है। अब 20 में अगेन जब आप 4 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, तो 24 होना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर है, W24। क्या आंसर होना चाहिए, W24 आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, ऑड वन आउट फाइंड करना है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, सारे कोई ट्राई करिए आप लोग। तीन में से फॉलोइंग 4 नंबर पेयर जो आपको दिया हुआ है ये सेम है, सेम लॉजिक काम कर रहा है, एक आपका डिफरेंट है, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। ट्राई करिए सब कोई, ठीक है।
ट्राई करोगे सारा कोई। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले मैं ये वाला चीज पे फोकस करता हूं। ऑप्शन आपको दिया हुआ था 749 343। आपको लॉजिक समझ में आ गया, ये क्या है आपका 7 स्क्वायर है और ये आपका क्या है 7 क्यूब है। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला के बीच में स्क्वायर का लॉजिक काम कर रहा है। सेकंड वाला स्क्वायर है फर्स्ट वाले का और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला के बीच में क्यूब्स का लॉजिक काम कर रहा है। थर्ड वाला क्यूब है फर्स्ट वाले का, ठीक है। अच्छा बी नंबर ऑप्शन भी देखा जाए 11 121 और 1331, तो आपको यह चीज समझ में आ गया 11 और 21 ये आपका 11 स्क्वायर होता है, 11 1331 ये आपका 11 का क्यूब होता है। क्यूब्स आपको मिनिमम 20 तक याद होने चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 9 और 27 क्या होगा, 3 और 9 के बीच में ये आपका 3 स्क्वायर होता है, 3 और 27 के बीच में ये आपका 3 क्यूब होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन आप एक चीज यहां पे अगर नोटिस करोगे, मैं आपको यही बता देता हूं कि 4 का स्क्वायर अगर आप करोगे 4 का स्क्वायर तो वो आपका 16 आता है, 8 नहीं, और 4 का क्यूब करोगे तो ये आपका 64 आएगा, दैट इज करेक्ट। बट ये आपका ये जो है सेटिस्फाई नहीं किया, पहला और दूसरा में स्क्वायर का लॉजिक, पहला और तीसरा में क्यूब्स का लॉजिक लगना चाहिए, जो आपका फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 3 ऑप्शन में सिमिलैरिटी, 4th ऑप्शन आपका सबसे अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगेन आपको बताना है एडिटर, डॉक्टर, ऑथर और प्रूफ रीडर, इनमें 3 के बीच में सेम कनेक्शन होगा और एक जो है आपका अलग होगा, आप बताइए कौन सा होगा। एडिटर, ऑथर और प्रूफ रीडर, इनके बीच में कनेक्शन है। ऑथर कुछ लिखता है, एडिटर एडिट करता है, प्रूफ रीडर भी कुछ इसी टाइप का होता है, कनेक्शन वाला चीज होता है, ठीक है। डॉक्टर का ना कनेक्शन एडिटर के साथ है, ना ही कनेक्शन ऑथर के साथ है, ना ही कनेक्शन प्रूफ रीडर के साथ है। सो डॉक्टर इज अ डिफरेंट थिंग। मैगजीन में भी आप लोग जानते होंगे प्रूफ रीडर होता है, एडिटर होता है, ऑथर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा, 4 10 23, ये आपको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, 4 10 23, जिसमें आपके बीच में 4 10 और 23 के बीच में कुछ रिलेशन काम कर रहा है। जो रिलेशन काम कर रहा है आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन काम कर रहा होगा। ट्राई करिए, क्या रिलेशन काम कर रहा होगा। फोर इंटू टू प्लस टू करोगे, 4 × 2 + 2 करोगे तो 10 आएगा, और 10 जो आया उसमें इंटू 2 + 3 करोगे तो आपका 23 आएगा। मतलब पहले वाले में 4 में जब आप इंटू 2 + 2 किया तो 10 आया दूसरा वाला, और दूसरे वाले में जब आप इंटू 2 + 3 किया तो तीसरा वाला आ गया, ठीक है। तो आपको वही लॉजिक यहां पे भी देखना है, 7 × 2 = 14 + 2 क्या होता है 16, नहीं होगा। 6 × 2 = 12, ये तो ऐसे ही नहीं होने वाला है। 4 × 2 = 8 + 2 करेंगे 10 आएगा, ये भी नहीं होने वाला है। क्या ये वाला देखो तो लॉजिक 2 6 और 15, ठीक है। जब आप यहां पे 2 × 2 + 2 करोगे तो क्या आपका 6 आ रहा है क्या, जी हां बिल्कुल आ रहा है।
जब आप 6 में इंटू 2 प्लस 3 करोगे तो क्या 15 आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। सो इस वजह से आपका कौन सा वाला करेक्ट हो गया, 2 6 15, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ बोलो तो? चलिए आगे बढ़े। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवार्ड्स वेस्ट, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स ही टर्न टुवार्ड्स राइट एंड वॉक 20 मीटर्स, ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर्स, ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर्स, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको बताना है जल्दी से जल्दी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ट्राई करिए, जो हिंदी पढ़ने वाले वो हिंदी भी देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट करे तो इंग्लिश में फोकस करना, इंग्लिश वाले में। पहले के टोटल 8 सेशंस करवाए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोग का रेगुलर क्लासेस का भी वीडियोस डाला हुआ है, तो अभी तक चैनल में मोटा मोटी 77 78 वीडियोस है, जिसमें 74 वीडियोस 73 या 74 वीडियोस में आप लोग का लेक्चर्स है। आप लोग जरूर देखिएगा, आगे भी डलता रहेगा, ऐसा स्टॉप नहीं होने वाला है। अब देखो, मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस का मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सो मैं यही क्वेश्चन पे स्टिक करके रहूंगा। पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत ही बारीकी से मैंने एक एक चीज बताया है, ठीक है? और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट टू स्टार्ट विथ थोड़ा सा बेसिक इसका मैं थोड़ा सा चीज बताता हूं। आप लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रियलिटी में कहीं पे भी मानते हो, पर आप लोग का अपने इस 2D सिस्टम में, अपने इस पेपर में आप लोग हमेशा नॉर्थ मानोगे ऊपर, साउथ मानोगे नीचे, ठीक है? राइट साइड में आप लोग मानोगे ईस्ट और लेफ्ट साइड में आप लोग मानोगे वेस्ट। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पोजीशनिंग आप लोग का ऐसा ही रहेगा। यहां पे 4 डायरेक्शन और रिक्वायर्ड रहता है, जो आप लोग वीडियोस में देखेंगे तो समझेंगे। चलो, ये क्वेश्चन को करने का दो तरीका, एक होता है आप लोग का बेसिक, एक होता है आप लोग का ट्रिक, तो मैं दोनों ही बताऊंगा। पहले मैं आप लोग को बेसिक यानी कंसेप्ट जो आप लोग ये चैप्टर में नॉर्मली यूज करते होते आए होंगे, मतलब यूज करते आए होंगे, ठीक है? क्या बोला है, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवार्ड्स वेस्ट, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, ये मान लो 30 मीटर्स है, ही टर्न टुवर्ड्स राइट। मैं पूरा हर एक लेवल पे इंक चेंज करूंगा। राइट टर्न मतलब ऊपर की तरफ टर्न किया होगा, यहां पे आके रुका होगा, तो राइट एंड वॉक 20 मीटर्स, तो उसके बाद वो 20 मीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देन ही टर्न लेफ्ट, तो उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न लो इसका, और उसके बाद वो 10 मीटर्स चला, तो लेफ्ट टर्न लिया इसने यहां पे, इसके बाद इसने 10 मीटर्स चला, फिर उसके बाद अगेन उसने यहां पे लेफ्ट टर्न लिया, तो इसका अगेन एक लेफ्ट टर्न जाएगा, और उसके बाद उसने 40 मीटर उसने चला है, ठीक है? तो अब 40 मीटर चलाने के लिए वो यहां तक पहले आएगा, तो यहां तक 20 मीटर चला होगा, और सपोज मान लो 20 मीटर आपका यहां पे आता है, तो टोटल मिला के उसका 40 मीटर हो गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर्स, फिर उसने क्या किया, फिर एक और उसने यहां पे लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे टर्न लिया होगा, और 5 मीटर चला। तो सपोज मान लो ये टोटल 10 था, इसका आधा चला होगा 5 मीटर। अब उसके बाद क्या किया, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो फाइनली वापस से
लेफ्ट टर्न में मुड़ जाता है, मतलब ऐसे करके मुड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो आपको यह बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो अब वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में लास्ट में मूव कर रहा है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। यहां पे तो आपने काफी 10, 20, 30, 40 करके एकदम सोच समझ के किया है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? जब भी आपसे लास्ट में, आपको लास्ट लाइन पे फोकस करना है, आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन डिस्टेंस में लास्ट लाइन पे फोकस किया करो। यहां पे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, मतलब वो आखिरकार, आखिर में वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें आपका जब भी इज ही वॉकिंग नाउ अगर बोलता है लास्ट में कौन से डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो इसमें आपको जो मीटर्स दिया हुआ रहता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप खाली क्या कर सकते हो, वेस्ट को पकड़ो। पहले स्टार्टिंग में उसने कहां से चलना चालू किया? वेस्ट से चलना चालू किया। अब उसके बाद उसने कौन कौन से टर्न लिए वो खाली फोकस करो। तो पहले उसने यहां पे राइट टर्न लिया, तो मैं राइट टर्न को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो अगेन मैं एल से, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न, एंड उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न। तो वेस्ट में चलना चालू किया, पहले राइट टर्न लिया, उसके बाद वो चार बार लेफ्ट मारा, चार बार लेफ्ट। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोलता है वन टर्न लेफ्ट या वन टर्न राइट, ये मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस में बताया, आप लोग देख सकते हो उसके वीडियोस को। वन टाइम लेफ्ट या वन टाइम राइट का मतलब होता है 90 डिग्री का चेंज। सपोज वन टाइम राइट बोल दिया, तो नॉर्थ में चलने वाला आदमी वन टाइम राइट मूव कर रहा है तो ईस्ट में चलेगा। या वन टाइम लेफ्ट बोल दिया, नॉर्थ में चलने वाला आदमी अगर वन टाइम लेफ्ट टर्न करेगा तो वो वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब टू टाइम्स राइट या टू टाइम्स लेफ्ट का मतलब हो गया, नॉर्थ में चलने वाला आदमी अगर टू टाइम्स राइट लेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, टू टाइम्स लेफ्ट टर्न लेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो टू टाइम्स राइट यानी टू टाइम्स लेफ्ट यानी 180 डिग्री चेंज। ठीक है, थ्री टाइम्स लेफ्ट या थ्री टाइम्स लेफ्ट मतलब वन टाइम राइट। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से नोटिस करो, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है। नॉर्थ में चलने वाला आदमी अगर तीन बार राइट टर्न लेता है, तो इसके बदले उसके लिए ये अच्छा नहीं होता क्या कि वो नॉर्थ में जाते चलने वाला आदमी अगर वन टाइम लेफ्ट ले लेता तो भी वो आपका सेम डायरेक्शन में आ जाता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? या फिर तीन टाइम लेफ्ट अगर टर्न लेता है, तो इसके बदले में वन टर्न राइट ले लेता तो भी बात बराबर था। तो थ्री टाइम्स राइट या थ्री टाइम्स लेफ्ट यानी कि आपका क्या वन टाइम राइट हो जाता है या वन टाइम लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और फोर टाइम्स राइट या फोर टाइम्स लेफ्ट मतलब 0 डिग्री का चेंज, वो वापस जहां से चालू किया था वहीं पे आ जाएगा। क्लीन है? तो आप यहां पे, और एक चीज और देखो यहां पे नोटिस करना कि आप लोगों का जो राइट और लेफ्ट है ये एक दूसरा के ऑपोजिट है, तो कट सकता है। अब यहां पे थ्री टाइम्स लेफ्ट बोल रहा है, थ्री टाइम्स लेफ्ट बोल रहा है यानी वन टाइम राइट बोल रहा है। वेस्ट में जाने वाला आदमी वन टाइम राइट लेगा तो ये नॉर्थ में आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको नहीं काटते, अगर आप सोचते कि नहीं यार काटना तो जरूरी नहीं है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया, फोर टाइम्स राइट या फोर टाइम्स लेफ्ट मतलब 0 डिग्री का चेंज, मतलब यहां पे ये जो हुआ है इसका वैल्यू नेल हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री चेंज, सेम पोजीशन। और वेस्ट से वन टाइम राइट अगर रोल लेता है टर्न तो नॉर्थ में आएगा, ये आपका सेम आंसर है। क्लियर हुआ? शॉर्टकट ट्रिक, आपका शॉर्टकट ट्रिक कैसे काम करता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा। वन पर्सन इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एंड सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय वाइफ, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द बॉय। एक व्यक्ति लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वो बेटा है, ओनली बेटा ऑफ माय वाइफ। तो आपको ये बताना है कि वो पर्सन जो इशारा कर रहा था किसी लड़का के तरफ, वो उस पर्सन से किस पर्सन बॉय से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सारे कोई ट्राई करिए। एंड
ऐसे क्वेश्चंस में ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आप लोग जरूर इसका वीडियोस को देखना, मतलब डेफिनेटली आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले बॉय को बना देता हूँ। ठीक है बॉय। अच्छा एक और बात, मैं यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दिया, मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ। मैं हमेशा मेल डायग्राम को क्या करता हूँ, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता हूँ मेल पर्सन को, और फीमेल पर्सन को मैं क्या करता हूँ, सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं। पता नहीं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं। चलो कोई नहीं, भूत भूत आ गया इसमें। हाँ बॉय था, बॉय के तरफ इशारा किया, क्या बोला, ही इज द सन, ये डेफिनेटली बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन, बेटा है बेटा का। ठीक है, ऑफ माई वाइफ, ओनली सन ऑफ माई वाइफ, तो मेरी वाइफ, फीमेल मेंबर सर्कल, मेरी मेरी यानी कौन, मैं पर्सन, मेरी वाइफ का ओनली बेटा कौन हो गया, मेरा बेटा हो गया। ओनली सन ऑफ माई वाइफ क्या हो गया, मेरा बेटा हो गया, पर्सन का बेटा, एंड पर्सन का बेटा का बेटा। ठीक है, तो ये पर्सन किस प्रकार संबंधित है, डेफिनेट सा बात है, ग्रैंडफादर है। समझ में आया, ये लड़का जो था बॉय, ही इज द ओनली सन, ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय वाइफ, ये बेटा था ओनली सन ऑफ माय वाइफ, मेरी वाइफ का इकलौता बेटा, मतलब ये और इसका बेटा ये बॉय था। क्लियर हो गया, चलो ये मैंने यहां पे करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 6232 इट क्या, ट्राई करो, एनालॉगी का क्वेश्चन ले लो, एनालॉगी, सिक्स और 232 के बीच में कोई रिलेशन होगा, वही रिलेशन आपका एट और उसके साथ वाले के बीच में रिलेशन होगा। अब यहां पे देखो, सिक्स और 232, सिक्स का क्यूब क्या होता है, 216, 216 में 16 ऐड करोगे तो 232 आएगा, वैसे ही 8 का क्यूब क्या होता है बताना, तो 512, 512 में 16 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 528, 528 आपका करेक्ट आंसर है। 6 क्यूब प्लस 16 का लॉजिक, यहां पे 8 क्यूब प्लस 16 का लॉजिक। ठीक है, बढ़े आगे। इफ शिवा इज टॉलर देन मीना बट शॉर्टर देन देवा, एंड मीना इज द सेम हाइट एज मानी बट टॉलर देन सुधा, तो मानी का बताओ क्या है हिसाब किताब। करो करो ये क्वेश्चन। आपको बताना है हिसाब किताब क्या है इस क्वेश्चन का, ट्राई करो।
ट्राई किया जाए। क्या बोला यहां पे देखो, शिवा के लिए क्या बताया, पहले मैं शिवा को ही बना रहा हूं। शिवा इज टॉलर देन मीना, बट शॉर्टर देन देवा एंड मीना इज सेम हाइट एज मानी। बट मीना इज टॉलर देन सुधा। देन मानी क्या होगा, मानी इज टॉलर देन देवा, नहीं, शॉर्टर देन शिवा, जी हां, इज सेम हाइट एज शिवा, नहीं, इज शॉर्टर देन मीना, नहीं, ये शॉर्टर देन शिवा आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, देवा शिवा से बड़ा है, मीना से बड़ा है, मानी के बराबर है, सुधा से बड़ा है, ठीक है, शॉर्टर देन शिवा इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया आप लोग को, तो पकड़ पकड़ के करना है। चलो यूरेका का कोड दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 25S2L1 सोसाइटी का कोड क्या होगा, ट्राई करो सारे कोई। समझ में आ रहा है कुछ, लॉजिक फिट बैठ रहा है इसको लिखने के बाद, क्या लॉजिक फिट बैठ रहा है बताना, तो वॉवल्स पढ़े हो ना सबको ही बचपन से, ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होता है राइट, ए पहले पायदान पे फर्स्ट प्लेस, ई सेकंड, आई थर्ड, ओ फोर्थ, यू फिफ्थ, ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहां पे देखो वॉवेल है ई, सेकेंड प्लेस पे आता है टू, सेकेंड प्लेस पे एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं, एज पर वॉवेल का जो सीरीज है ए ई आई ओ यू में, यू कहां पे आता है, लास्ट में आता है फिफ्थ प्लेस पे, देखो फिफ्थ, ई कहां पे आता है अगेन सेकेंड प्लेस पे, ए कहां पे आता है सबसे पहले आता है, ये देखो यहां पे दिया वैसे, अच्छा अब उसके बाद यहां पे क्या किया ध्यान से देखना, आर में प्लस वन कर दिया एस, के में प्लस वन कर दिया एल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यूरेका का कोड कैसे बना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, अब सोसाइटी का कोड बनाना है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ओ वॉवेल है, ओ चौथे स्थान पे आता है, आई तीसरे स्थान पे आता है, E, दूसरे स्थान पे आता है दूसरे प्लेस पे, और बाद बाकी का आप लोग अगर ध्यान से देखोगे अगर हिसाब किताब, तो S आपका कितने, S प्लस वन क्या होता है T, C प्लस वन D, U, Z, तो क्या आ रहा है T फोर D थ्री टू यू जेड, T4 D3 2UZ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया, आगे बढ़े। इफ ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, टेबल इक्वल्स टू 8, पास इक्वल्स टू क्या, चलो
कहने का क्या मतलब है, ए का न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू अगर 1 है, बी का 2 है एंड सो ऑन, सी का 3, डी का 4, ई का 5, टेबल का 8, कैसे होगा ये आपको बनाना पड़ेगा, पास्ट का क्या निकलेगा उस हिसाब से फिर आपको वो बताना पड़ेगा, मतलब टेबल में भी आपका अल्फाबेट का न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू का लॉजिक काम कर रहा है। ट्राई करोगे, बड़ा मजा आ रहा है हमको तो इंक यूज करने में अलग अलग। आई होप डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है ना। चलो इसको ट्राई करो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। टेबल का 8 कैसे आएगा, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, सारे को ऐड कर दो, 20+3 कैसे, 20+1 21+2 23, 23+12 क्या होता है 35, 35+5 क्या होता है 40, और 40 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 8, 40 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 8, 5 कैसे, 5 से डिवाइड क्यों किया, ये 5, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 अल्फाबेट्स इसीलिए 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, पहले तो अल्फाबेट्स का न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू किया, डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया, क्योंकि 5 अल्फाबेट्स थे टेबल वर्ड में। अब पास्ट का देखो, पी ए एस और टी, डिवाइड किससे होगा 4 से, कैसे होगा आइए देखते हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16, ए का 1, एस का 19 और टी का 20, तो 20+20 40, 40+16 56, 56 4 अल्फाबेट 4 से डिवाइड करोगे 14, 14 आपका आंसर है। क्लियर हुआ, हिसाब किताब समझ में आ रहा है, जाओ फिर रिटर्न भर के आओ। 17 नंबर देखो आप लोग, डायग्राम्स दिया हुआ है आप लोग को, रिलेशनशिप बताना है एम्प्लॉयर डॉक्टर और वुमेन का, कौन से वेन डायग्राम में ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयर डॉक्टर और वुमेन का प्रॉपरली दिखाया हुआ है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे और आपका समय शुरू होता है अब। क्या होगा आंसर बताना, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एम्प्लॉयर और डॉक्टर को मैं पहले देखता हूं, एम्प्लॉयर और डॉक्टर को, क्या सारे के सारे एम्प्लॉयर डॉक्टर होते हैं क्या, क्या सारे के सारे एम्प्लॉयर जितने भी ऑफिस में होते हैं क्या सारे डॉक्टर होते हैं, नहीं। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि कोई भी एम्प्लॉयर डॉक्टर होता है, कोई भी एम्प्लॉयर डॉक्टर नहीं होता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, कुछ एम्प्लॉयर डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि एम्प्लॉयर जो बनेगा वो कभी डॉक्टर हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, एम्प्लॉयर डॉक्टर सारा का सारा एम्प्लॉयर डॉक्टर नहीं हो सकता है, सारा का सारा डॉक्टर एम्प्लॉयर नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर वही बन सकता है जो डॉक्टर ना हो, या ऐसा भी नहीं है डॉक्टर जो है वो कभी एम्प्लॉयर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, कुछ एम्प्लॉयर डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ डॉक्टर एम्प्लॉयर हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयर और डॉक्टर के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा,
कि कुछ एम्प्लॉयर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर एम्प्लॉयर हो सकते हैं। डॉक्टर वुमेन का देखते हैं, तो ऐसा है क्या कि जितने भी डॉक्टर है वो सारे के सारे वुमेन है? ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा है क्या कि जितने भी डॉक्टर है उनमें से कोई भी वुमेन नहीं है? ऐसा भी नहीं है। या वुमेन है वो डॉक्टर बन सकती नहीं है, ऐसा है क्या? या सारी की सारी वुमेन डॉक्टर होगी, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ वुमेन डॉक्टर हो सकती है या कुछ डॉक्टर वुमेन होती है। तो डॉक्टर और वुमेन के बीच में भी सम का रिलेशन है, समझ में आया? अब देखते हैं एम्प्लॉयर और वुमेन के बीच का कनेक्शन। एम्प्लॉयर क्या सारे के सारे वुमेन होते हैं? नहीं। क्या ऐसा है क्या जो एम्प्लॉयर होगा वो वुमेन हो ही नहीं सकता है? ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ एम्प्लॉयर वुमेन हो सकती है या कुछ वुमेन एम्प्लॉयर होती है। इसका मतलब एम्प्लॉयर और वुमेन के बीच में भी किस टाइप का रिलेशन है? सम का रिलेशन है। इन शॉर्ट सारे के बीच में क्या रिलेशन है? सम सम का रिलेशन है, सम सम का। तो कौन सा डायग्राम सेटिस्फाई करेगा? डायग्राम नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। डायग्राम नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसको मैं डॉक्टर मानता हूं, इसको मैं एम्प्लॉयर मानता हूं और इसको मैं वुमेन मानता हूं, तो सारे के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सारा एक दूसरा से जुड़ा होना चाहिए, तो डॉक्टर और वुमेन तो एकदम एक दूसरा से कट गया, तो ये नहीं हो सकता है। 3 नंबर सही है, ठीक है। जैसे इसमें एम्प्लॉयर मान लो, ये डॉक्टर मान लो, ये वुमेन मान लो, सब में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चिपका हुआ कॉमन पोर्शन है, ये देखो कॉमन पोर्शन, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो ये वाला डायग्राम। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, सीरीज को कंप्लीट करो फटाफट। दस और सौ के बीच में कितना का अंतर है? 90 का। सौ और 200 के बीच में कितना का अंतर है? 100 का। इसमें 110 का अंतर है। आगे कितना का अंतर होगा? 120 का। ठीक है, समझ में आया? बुझली कैसे? 430 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्यूब्स बनाना है, क्यूब्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओपन डाइस, डाइस का क्वेश्चन है, सॉरी। आपको इसको क्लोज्ड इंटैक्ट फिगर में कन्वर्ट करना है। ओपन डाइस का क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ। आपको आपके सामने एक प्रसारित पासा, खुला पासा, ओपन डाइस का फिगर दिया हुआ है। आपको क्या करना है? इसको फोल्ड करना है, ओपन डाइस को। और फोल्ड करने के बाद आपको यह बताना है कि वो असल में कौन सा डाइस बनेगा। जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको यह बताना है, जब मैं एक प्रसारित पासा यानी ओपन डाइस के फिगर को बंद बंद करके एक डाइस बनाता हूं, क्यूब बनाता हूं, मतलब क्यूबिकल शेप का फिगर बनाता हूं, तो बंद होने के बाद वो कैसा दिखेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको ये बताना है। पढ़े हुए हो प्रसारित पासा? बहुत इजी है, रूल ऑफ 1/3 इसका होता है, सिंपल सा बात है। रूल ऑफ 1/3 स्ट्रेट लाइन में फॉलो होता है, रूल ऑफ 1/3। अब जैसे इसमें कैसे फॉलो होगा, ध्यान से देखते जाओ। ओ दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। अब ओ के एल ये स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ओ फर्स्ट में, के सेकंड में, एल थर्ड में। रूल ऑफ 1/3 का क्या मतलब होता है? जो फर्स्ट है वो थर्ड के बराबर होगा, फर्स्ट है वो थर्ड के ऑपोजिट होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे ओ इज
ऑपोजिट टू एल, ऑपोजिट का ये साइन होता है, ऑपोजिट्स पहले फाइंड करते हो। अच्छा, अब उसके बाद आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, जो के है ये फर्स्ट, एल है वो सेकंड, एंड एम है वो थर्ड। मतलब जो फर्स्ट है और जो थर्ड है ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, और जो बच गया वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। डाइस में टोटल सिक्स फेसेस होते हैं, सिक्स सरफेस होते हैं, ठीक है। पहले रूल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लगा लो, हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, ये मैंने आपको बताया था, देख सकते हो आप लोग मेरे क्लास में जाके, अच्छे से देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑपोजिट्स फाइंड करते हैं, सबसे पहले ओ और एल एक दूसरा का ऑपोजिट, के और एम एक दूसरा का ऑपोजिट, टी और यू एक दूसरा का ऑपोजिट। अब एल और एम एक एल और ओ एक दूसरा का ऑपोजिट होना चाहिए, एम और के एक दूसरा का ऑपोजिट होना चाहिए, पर यहां तो अगल बगल में, जो ऑपोजिट होता है वो अगल बगल में कभी नहीं आता है, अगल बगल वाले को बोलते हैं एडजेसेंट, तो एम के एक दूसरा के अगल बगल में नहीं होगा। टी और यू एक दूसरा का ऑपोजिट होना चाहिए, पर यहां अगल बगल में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एल और ओ एक दूसरा का ऑपोजिट होना चाहिए, यहां अगल बगल में है, ये भी नहीं होगा। पर आप यहां पे देखो लास्ट वाले फिगर में, के ऑपोजिट में आना चाहिए एम, ठीक है, अगल बगल में नहीं है। टी के ऑपोजिट में आना चाहिए यू, ये भी अगल बगल में नहीं है। एल के ऑपोजिट में आना चाहिए ओ, ये भी अगल बगल में नहीं है। तो लास्ट वाला फिगर आपका करेक्ट फिगर है, लास्ट वाला फिगर आपका करेक्ट फिगर है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब एक बात हमेशा याद रखना, डाइस में हमेशा तीन सरफेस आपको एक बार में दिखता है, तीन सरफेस, और बाद बाकी जो तीन होता है वो पीछे छुपा हुआ रहता है। तो ये मत बोलना सर आप इसे श्योर शॉट कैसे बता सकते हो कि ये आपके ऑपोजिट में आएगा, क्योंकि तीन सरफेस दिख रहा है, बाकी जो तीन है वो ऑपोजिट में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा लास्ट थ्री क्वेश्चंस, आप लोग करिए सॉल्व। ये वाले क्वेश्चन में देखो आप लोग को सॉल्व करना है, मिसिंग नंबर का सीरीज है, पहले देखो नहीं पहले ट्राई करो। अब आप लोग यहां पे देखिए, ये जो 12 है और ये जो 4 है, अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा वैल्यू। अच्छा, अगर मैं ये 21 को डिवाइडेड बाय 7 कर देता हूं तो इसका भी वैल्यू 3 आएगा। मतलब मैं 12 बाय 4 कर रहा हूं तो भी 3 आ रहा है, 21 बाय 7 कर रहा हूं तो भी 3 आ रहा है, ठीक है। वैसे यहां देखो, जब मैं 10 डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 10 डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूं तो ये आपका 2 आ रहा है। वैसे ही 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आपको ये चीज चेक करना है कि जब मैं 64 में ऐसा क्या डिवाइड करूं, 64 में मैं ऐसा क्या डिवाइड करूं कि वो बराबर आ जाए 24 में, भी जो मैं डिवाइड करूं वो इक्वल आए, ठीक है। 64 में मैं ऐसा क्या डिवाइड करूं, 64 में मैं ऐसा क्या डिवाइड करूं कि वो एकदम बराबर आ जाए, ठीक वैसे ही कि 24 में कोई नंबर से डिवाइड करूं तो वो एक सेम फिगर आए, सेम फिगर डिवाइड करने के बाद। तो अब आप यहां पे देखो, 64 में जब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 64 में जब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है।
वैसे ही 24 में जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो आपका क्या आ रहा है, तो भी आपका 8 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 83। ये 83 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 64 में जब आप यहां पे जगह अगर आप 83 पुट करते हो, 64 में जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 8 आएगा, सॉरी 8 8 64, और 24 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी आपका 8 आएगा। क्लियर हुआ आप लोग का? और बाद बाकी में जब आप चेक करोगे तो आपका वैसे नहीं आने वाला है, ठीक है? अरेंज करना है एज पर डिक्शनरी, सारे कोई ट्राई करो। इंग्लिश डिक्शनरी में जी के कॉलम में आपको सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करने हैं, सारे कोई ट्राई करिए। GEN करके तो मेरे को हर जगह दिख रहा है, GEN करके मेरे को हर जगह दिख रहा है, यहां पे भी GEN है, यहां पे भी GEN, यहां पे भी GEN, यहां पे भी GEN, यहां पे भी GEN। अब सवाल है GEN के बाद क्या आएगा? सबसे पहले U आता है, D आता है, E आता है, E आता है कि T आता है? सबसे पहले D आता है, राइट? तो जेंडर पहले बनेगा, 3 से तो पहले ही ऑप्शन है, 35241, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी से समझ में आ गया, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं था, तो ऐसे एलिमिनेशन से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है? हालांकि डी के बाद उसके बाद क्या आएगा, आपका ई वाला चीज आएगा, तो ई से आपका दो वर्ड दिया हुआ है। अब ई में सबसे पहले आर आता है, ई के बाद, तो जी ई एन ई आर ए एल, ठीक है? 3 5, फिर उसके बाद 2 आएगा, जी ई एन ई एस आई एस, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, U आएगा, कि T आएगा, U आएगा कि T आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा, T आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, U आएगा। तो 35241 ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का। अब एक बात आप लोग यहां पे ध्यान से नोटिस करेगा, छोटा सा चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। आप लोग को मैंने एक बात बताया था कि हमेशा एकदम ऊपर में नॉर्थ रहता है, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। खाली इन चार डायरेक्शन से अपना काम हो नहीं पाता है, अपने को चार सहायक हेल्पिंग डायरेक्शन और चाहिए होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है। कहीं पे भी 90 डिग्री के एंगल में, एकदम 90 डिग्री वाले पोजीशन में साउथ और वेस्ट आएगा। अब बीच में कहीं पे भी आपका बीच का जो भी माला खाली रहेगा उसमें साउथ वेस्ट काम करेगा, ऐसा नहीं एकदम एकदम बीच में होना चाहिए साउथ वेस्ट, ऐसा नहीं है। वैसे ही आप यहां पर देखो, यहां पर साउथ ईस्ट होगा और यहां पर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ये चीज मैंने आप लोग को बताया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, अतोलेस 20 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ अंशुल। अगर मैं अंशुल को यहां फिक्स कर दूं, अंशुल, अतुल कहां पे है, अतुल सपोज यहां पे अंशुल खड़ा है, अतुल कहां पे है,
20 मीटर साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कौन सा होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब यहां पे अंशुल के ऑब्वियस सा बात है इस साइड में आपका अतुल होगा, ठीक है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है, और इसके डायरेक्शन को 20 मीटर्स, 20 मीटर्स लेंथ मान लो, मीटर से मेरे को करना कुछ नहीं है, विच डायरेक्शन खाली पूछा है। तो अंशुल ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो साउथ ईस्ट में है, तो अंशुल के इस साइड में अतुल होगा, ना ईस्ट में होगा ना साउथ में होगा, एकदम टेढ़ा होगा। अच्छा अमित के लिए अब क्या बोला, 20 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ अंशुल, तो अब यहां पे देखो अंशुल के साउथ वेस्ट में, ना अंशुल के साउथ वेस्ट में अमित है, तो अंशुल अगर यहां पे है तो साउथ वेस्ट आपका कहां पे जाएगा, इधर जाएगा, और यहां पे आपका कौन फॉल करेगा, अमित फॉल करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां पे ये चीज। अच्छा अनुज के लिए क्या बोला है, अनुज इज 20 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ अमित, अमित अब सपोज मान लो अमित यहां पे है, अब अमित का साउथ ईस्ट कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट राइट साइड में एकदम यहां पे ईस्ट है, यहां पे नीचे में साउथ है, अमित के साउथ ईस्ट में अनुज है, तो ऑब्वियस सा बात है यहां पे आप समझ लो यहां पे अनुज होगा, अनुज ना एकदम साउथ में भी नहीं फॉल कर रहा ना एकदम ईस्ट में फॉल कर रहा, एकदम बीचों बीच में अनुज है, ठीक है, तो ये ऐसे फॉल करेगा। अच्छा डिलीट कर देता हूं उसको मैं, अच्छा और उसके बाद क्या बोला है, देन अतुल इन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ अनुज, अतुल कौन से डायरेक्शन में, किससे अनुज के कौन से डायरेक्शन में, अनुज के, तो अनुज के ना तो नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, पर नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अतुल कौन से डायरेक्शन में, अनुज के कौन से डायरेक्शन में अतुल है, तो अतुल कहां पे है, अतुल नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन यही अगर उल्टा कर देता कि अनुज कौन से डायरेक्शन में, अतुल के कौन से डायरेक्शन में, तो अतुल से देखना चालू करते, ना तो अतुल के साउथ में है ना अतुल के वेस्ट में है, तो क्या आंसर हो जाता, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। क्लीन दिमाग, दिमाग क्लियर। तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही, ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, और हम लोग आगे नेक्स्ट 10th सेशन में मिलेंगे आप लोग के साथ। 9th सेशन आज आप लोग का कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस का, टोटल आप लोग वीडियोस अवेलेबल है देख सकते हो, रेगुलर क्लासेस भी अवेलेबल है वो भी देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, जय हिंद जय भारत।